हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं रश्मि जैन भोपाल मध्य प्रदेश से। टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए तत्काल मुआवजा घोषित करे सरकार, कहा मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस अजय सिंह यादव ने। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि और भारी बारिश से टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में किसानों की 80% से ज्यादा फसलें नष्ट हो गई। मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ आंदोलन करे। अतिवृष्टि भारी बारिश से टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में लगभग 80% से ज्यादा किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। उड़द, मूंग, तिली की फसलें लगभग पूरी तरह चौपट हो गई है। किसान ने कर्जा लेकर खाद बीज लेकर अपनी पैदावार चालू की थी और ऐसे में अतिवृष्टि किसान के लिए भयावह स्थिति लेके आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल इस मामले में मुआवजा की घोषणा करना चाहिए एवं सर्वे करवाते हुए किसानों के पूरे नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की किसान विरोधी भाजपा सरकार किसानों की दुख तकलीफ में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सरकार तत्काल मुआवजा दे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, इंडिया आज तक टीवी लाइव।